नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस नैतिक शिक्षा के सीरीज में। एक और नए वीडियो लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और हमारा ये नैतिक शिक्षा सीरीज बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे श्रोतागण, हमारा जो सच्चा जीवित परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर की एक एक आज्ञा और शिक्षा के बारे में जाने कि उसकी शिक्षाओं में कितना पवित्रता है, कितना एक अगर मनुष्य पालन अपने जीवन में लागू करेगा वो पाप से बचेगा और वो एक सच्चे परमेश्वर की ओर समीप आएगा। इसीलिए ये सब शिक्षाएं दी गई हैं और ये हर एक मसीह के लिए ये शिक्षा उसके जीवन में लागू होना बहुत ही अनिवार्य है। तो आज हम लोग कुछ ऐसी शिक्षाओं पर देखेंगे जो लगता है कि सामान्य जिंदगी में लगता है कि ये कोई ज्यादा या ये कोई पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर की नजर में छोटा से छोटा पाप भी बहुत बड़ा पाप है। और हमारा परमेश्वर तो यहाँ तक कहते हैं, अगर तुमने किसी के खिलाफ मन में अगर गलत सोच लिया तो तुम व्यभिचार के पाप के अधिकारी हो और व्यभिचार का दंड रहता है मृत्यु। यानी अगर दिल में भी किसी लेकिन खराब सोच लिए, छल कपट सोच लिए, तो वो उसका बहुत बड़ा दंड है परमेश्वर के नजर में। तो आज हम लोग सात और शिक्षाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी तक हम आप लोग को 12 शिक्षाएं दे चुके हैं, पवित्र शास्त्र बता चुके हैं, और आज हम लोग उस शिक्षाओं में और सात नई शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। पहला है श्राप, दूसरा है हत्या, तीसरा है कपट, चौथा शिक्षा होगा चोरी, पांचवा शिक्षा होगा लालच, छठा शिक्षा है डर, और सातवां शिक्षा है परमेश्वर का डर। जो नहीं मानते हैं उनको लिए शिक्षा, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना वीडियो को प्रारंभ शुरू करते हैं। परमेश्वर कि महिमा के लिए हम लोग पढ़ना शिक्षा देखेंगे श्राप, ठीक है। दोस्तों 19:14 में लिखा है, बहरे को श्राप न दे और ना अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। किसी को हमको श्राप नहीं देना है, ठीक है। व्यवस्था 20:9 में लिखा है, क्योंकि कोई क्यों ना हो अपने माता पिता को श्राप दे वह मार डाला जाए। देखिए था यहाँ पर जो श्राप देगा किसी को, माता पिता तो वो मार डाला जाए, और किसी को भी श्राप देगा तो वो परमेश्वर के भयंकर क्रोध में डालेगा। इसको हम लोग व्यवस्था 19:14 में भी देख सकते हैं, बहरे को अगर कोई श्राप देगा तो परमेश्वर की ताड़ना में पड़ेगा, अंधे के अगर कोई ठोकर रखेगा तो परमेश्वर की भयंकर ताड़ना में और परमेश्वर की न्याय में पड़ेगा, ठीक है। निर्गमन 22:28 में लिखा, परमेश्वर को श्राप ना देना, अपने लोगों के प्रधान को श्राप दे, ठीक है। ना परमेश्वर को श्राप दो, ना परमेश्वर ने जिन प्रधानों को हम पर नियुक्त किया है उनको श्राप, ठीक है। ये गाली है, ये किसी जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं उनको उनके बारे में गलत कहना है, या फिर मुंह से नेतागण के बारे में। परमेश्वर ने हमको इससे
दूर रहने के लिए कहा, जो श्राप देगा वो परमेश्वर के कारनामे पड़ेगा। इसलिए भाई बहन हम लोग समझे, ठीक है। देखिए पहला पत्रस 3:9 में लिखा है, बुराई का बदले बुराई मत करो, ना गाली का बदले गाली दो, पर इसके भी विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष का बारिश होने के लिए बुलाए। हालेलुया। ये वचन मेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया। जिस प्रकार के व्यक्ति हम प्रभु में आने के पहले थे, वो इसके जस्ट जस्ट यही थे, बुराई को मतलब बुराई ही करते थे, और जो गाली देता था उसको 5 गाली देते थे, ठीक है। लेकिन परमेश्वर में आकर हमें परमेश्वर के वचन ने मुझे बात, क्योंकि हम श्राप हम आशीष के वारिस हैं, और आशीष देने के लिए हम हैं, ठीक है। देखिए ये शिक्षा सिर्फ परमेश्वर, एक सच्चा जीवित परमेश्वर ही दे सकता, और ये वचन मेरे जीवन को बहुत बदला, ठीक है। ये कोई चलता फिरता हुआ आदमी कोई ये शिक्षा नहीं दे सकता। आप उस परमेश्वर की पवित्रता को समझिए, कितना पवित्र है वो हमारा परमेश्वर, ठीक है। देखिए परमेश्वर, अगर किसी व्यक्ति को जानना है कि परमेश्वर का क्रोध मेरे जीवन पर है या नहीं, तो मैं उनके लिए एक वचन है, होशे 4:10-19। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़िए, ठीक है। होशे 4:10-10, वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त न होंगे, और वैश्यागमन तो करेंगे परंतु न बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया। देखिए आज के समय में एक घर में 2 लोग 3 लोग नौकरी कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल जॉब, लेकिन वो बोलते हैं मेरे घर में पैसा नहीं, क्योंकि अगर कोई परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलेगा और अपने मन के मुताबिक, तो इतने सारे रोग और परमेश्वर का उस पर दंड रहेगा, कि वो जैसे बाइबल में लिखा है, वो कमाते तो हैं लेकिन छेद किए हुए थैले में डालते हैं, ठीक है। तो ये यही चीज है, वो कमाएंगे तो वो तृप्त ना होंगे, वो खाएंगे तो पेट नहीं भर भरेगा, लगेगा और खाएं और खाएं। ये परमेश्वर का क्रोध को पहचानने का एक निशानी है, और जिनके भी जीवन में ये क्रोध अगर आप देख रहे हैं, तो आप परमेश्वर के शरण में, एक सच्चा जीवित परमेश्वर आपको बुला रहा है, मेरे बेटा मेरे बेटी मेरे पास आओ, हे बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दू। हमारा परमेश्वर चीख चीख कर बुलाते हैं, ठीक है। अब फिर आप और पढ़ सकते हैं इसके परमेश्वर का क्रोध है क्या, पढ़ सकते हैं Haggai 1:6-11 तक, हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा शिक्षा है हत्या, हम लोग जल्दी से देखते हैं। Levi 19:16 में क्या लिखा, लुतरा करके अपने लोगों में न फिरा करना, न एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां न बांधना, मैं यह हूं। एक दूसरे का लहू बहाने के लिए युक्तियां मत मांगना, षड्यंत्र मत करना, ये परमेश्वर की शिक्षा है। आज से 2000 साल पहले यह शिक्षा परमेश्वर ने दे दिया था, ये नहीं कि हमारा परमेश्वर आउटडेटेड है, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है, वो पाप चाहते हैं कि पाप रुके, इसलिए परमेश्वर ने यह शिक्षा दी, तुम किसी का लहू बहाने के लिए युक्ति मत मांगना। ये कितना पवित्र शिक्षा, जो सिर्फ एक सच्चा परमेश्वर ही दे सकता है। Levi 5:17, व्यवस्था 5:17,
तू हत्या ना करना, ये तो हमारा परमिशन है। लव अवस्था 24 का 17, फिर जो कोई किसी मनुष्य के प्राण से मारे वह निश्चय मार डाला है। प्राण जो जो लहू बहाएंगे उनका हश्र, उनका भी लहू बहाया जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा परमेश्वर करुणामयी है, अभी यीशु आए हैं तो करना है, लेकिन देखिए ये करना, लेकिन अभी भी है स्पिरिचुअल रिम्स में, आत्मिक जो आत्मिक दंड, आत्मिक जगत में अगर कोई श्राप देगा या लहू बहाएगा, उसका दंड पाप का दंड नर्क, कोई भी पाप, तो वो लहू बहाएगा तो नर्क जाएगा। अभी इसी का लहू से हमको शारीरिक, हमको क्षमा मिल सकता है, मिल रहा है, मिल सकता है, और ये आशा है। और ये भी एक समय के लिए, जब ये दरवाजा बंद हो जाएगा, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग आर फॉलिंग, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग आर नहीं, यानी यानी वो स्वता का झरना बह रहा है, जो हमारे पाप को धो सकता है, और यही हमको चाहिए। अभी अभी यह बह रहा है, तभी सारी मानव जाति के लिए उपलब्ध है। जो पश्चाताप करेगा उसके ऐसे वैसे सारे पाप क्षमा होंगे, लेकिन एक समय ये भी स्वता एक दिन बंद हो जाएगा। फिर कोई क्षमा नहीं होगा। इसलिए भाई बहन अभी स्वता खुला हुआ है, और अभी पूरी मानव जाति को परमेश्वर बुला रहे हैं। मत्ती 5 का 22, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा और कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य है होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा, नरक की आग में दंड होगा। ठीक है, पहला योहन्ना 3 का 15 में लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता वह हत्यारा है। भाई से बैर रखना हत्या के श्रेणी में आता है, समझ। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता है, हत्या ही सजा। ठीक, लेकिन अभी भी अभी यीशु के लहू के द्वारा जो हत्या में करके भी अगर संपूर्ण मन से पश्चाताप करता है, ठीक है, एक सच्चे परमेश्वर की ओर झुक जाता है, अपना जीवन में परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके और संपूर्ण जीवन दे देता है, अपना जीवन परिवर्तित कर लेता है, वह स्वर्ग का वारिस बन जाता है। ठीक है, लेव 24 का 19 में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तीसरा शिक्षा पर हम लोग आते हैं, कपट। देखिए हिपोक्रेसी, कपट जो है ना, ये लगता है कि ये कोई पाप नहीं, परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा पाप है। और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुझसे मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। देखिए कपटी किसको कहते हैं, वो दिखाते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को खुश करने का, लेकिन वो जो है संपूर्ण मन से वो काम न करके और मनुष्य के विधि आज्ञाओं पर चल करके वो काम कर रहे, परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए नहीं कार्य कर रहे हैं, वो मनुष्य के विधियों पर चलते हुए परमेश्वर को खुश करने का काम कर रहे हैं, ये कपट। ठीक है, ये दोहरा चरित्र है और परमेश्वर इससे नफरत करते हैं। ठीक है, जैसा अंदर हो वैसा ही बाहर हो, परमेश्वर हमारा यही चाहते हैं। ठीक है, मत्ती 6 का
सावधान रहो, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ फल ना पाओगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा परमेश्वर साफ चेतावनी दे रहे हैं, अगर हम कपट करके परमेश्वर की आराधना करते हैं और मनुष्यों की रीति पर चलते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो हमको स्वर्ग राज में कोई फल नहीं मिलेगा, और जब कोई फल नहीं मिलेगा उसके बाद तो नरक में जाना होगा सर। इसलिए भगवान बहुत ये जीवन जिए परमेश्वर की आराधना करते हुए, एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करें और ये सच्चे दिल से डर भाई मानते हुए। ठीक है, बत्तीस तेईस का तीन है, इसलिए वो तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। हाँ, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं, यही है कपट। अगर एक अच्छा अगुआ जो है बहुत अच्छा अच्छा बोलता है, शिक्षा देता है, लेकिन अगर वो करेगा नहीं तो वो कपटी है। जो कहे वो करे भी, तभी उसका जीवन परमेश्वर की नजर में धन्य जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। यही मैं आपको, कपट कपट बहुत जरूरी है, इसको समझिए। कपट का मतलब होता है कि हम किसी को दिखा रहे हैं परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं एकदम सच्चे दिल से, लेकिन परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के वचनों पर ना चलते हुए, मनुष्य के विधियों को मानते हुए हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो वो हुआ कपट। ठीक है, परमेश्वर को उससे नफरत है। ठीक है, लूका 11:42, पर हे फरीसी, तुम पर है, तुम पुदीने के और सुदाब का और सब भाती के साग पात का दशमांश देते हो, परंतु न्याय को परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। ठीक है, यही है कपट, कि जब अपना मन कुछ हो तो कर लिए और दूसरा कर रहा तो वहां पर हम परमेश्वर का डर उसको दिखा रहे, तो ये उसका जीवन कपट है ना, उसको खुद करना है और दूसरों को भी करने से बचाना। ठीक है, रोमियो 2:3 देख लेते हैं, और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ये काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर का दंड की आज्ञा से बच जाएगा? जो कपट करते हैं वो परमेश्वर के दंड से कभी नहीं बच सके, वो जिंदगी भर सोचते रहेंगे, अपना दिल को सहलाते रहेंगे कि हम परमेश्वर की आराधना बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हर संडे जाते हैं और बहुत, लेकिन वो कपट कर रहे हैं। मनुष्य के विधि पर चलते हुए परमेश्वर की आराधना करना ये गलत है। परमेश्वर ने अपना वचन साफ साफ लिखा है, तुम सच्चे दिल से आराधना करो और परमेश्वर और अपने जीवन को पवित्र रखते हुए आराधना करो, तब तुम सच्चा आराधना करोगे। ये नहीं क्यों 6 दिन हम कुछ कर लिए और 7वां दिन आ गए आराधना करने, और चरण जो बोल रहा वो कर रहे हैं और हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं और फिर 6 दिन हो गए, तो ये आराधना परमेश्वर की नजर में कपट की आराधना है। ठीक है, अब लोग 14 शिक्षा पर आते हैं, चोरी। लेवस्था 19:11 में देखते हैं, तुम चोरी न करना, ना एक दूसरे से, ना तो कपट करना, ना झूठ बोलना। देखिए यहाँ पर तीन शिक्षा है, न चोरी करना, न कपट करना, न झूठ बोलना। देखिए एक बात समझे, हर प्रकार का पाप निषेध है, मजाक में भी नहीं करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमको परमेश्वर के
और संपूर्ण मन से, और हमको जो है पाप बुराई से बचना चाहिए, ठीक है। पवित्रता का जीवन ही परमेश्वर को खुश कर सकता है। लवस्ताओं ने इसका 13 देखिए, एक दूसरे पर अंधेर न करना, न एक दूसरे का लूट लेना, और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक न रहने पाए। वो मजदूरी का चोरी है जो जो लोग ठेकेदारी करते हैं। अगर ठेकेदारी करे कोई कोई मनुष्य, कोई लेबर काम किया है, तो उस लेबर का पैसा आपको आपको उस दिन के सांझ तक चुका देना है, या अगले भोर होने से पहले तक उसको चुका देना है। नहीं तो वो मजदूरी की चोरी है, और जो मजदूरी, जो कोई मजदूरी का चोरी करेगा वो श्राप में आएगा, परमेश्वर के क्रोध में आएगा, ठीक है। परमेश्वर का क्रोध में आएगा, परमेश्वर का दंड में आएगा। हालेलुया, ठीक है। इसलिए भाई बहन हम लोग को जीवन जीना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो लगता है कि ये कर रहे हैं तो कोई हम गलत नहीं कर रहे हैं, ये तो सब दुनिया करता है, दुनिया जो करे सो करे, हमको परमेश्वर में पवित्र जीवन जीना है। और छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी पापों से हमको दूर रहना, ये नहीं कि एक हम ठेकेदार है तो हम उसको 2 दिन का, 1 15 दिन का पैसा नहीं है देंगे, कहना दीजिएगा। ये मजदूरी का चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर के नजर में आप दंड के योग्य हो जाएगा। ये दुनिया जो कर रहा है उससे परमेश्वर का कोई मतलब नहीं। ठेकेदार मत, ठेकेदारी या मुखियागिरी मत करिए। जो परमेश्वर का वचन है अगर आप जानते हैं, आप उसको निभाने का कोशिश करें। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, हालेलुया। और वो पवित्र परमेश्वर हमको चाहते हैं कि हर क्षेत्र में छोटा से छोटा पाप के बारे में लोगों को जागरूक करें, और यही है, ठीक है। परमेश्वर का संदेश कि हम कोई भी पाप जो दिखने में छोटा लगता है उसका भी सजा परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा है, जो बड़ा पाप है उसका तो बड़ा दंड है। बस पांचवा शिक्षा पर हम लोग चलते हैं, लालच। लालच जो है ऐसा पाप है जो सबके मन में आ जाता है, लेकिन एक विश्वासी को इस लालच के दीमक से दूर रहना चाहिए। जो हमारा है उसी पर हमारा अधिकार, हमारा अधिकार, हमारा सोच रहना चाहिए। लालच न करना चाहिए कि हमको कुछ ज्यादा मिल जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब चीज देगा। मेरे वास्तव में 5:21 में, तू ना किसी पत्नी का लालच करना, ना किसी घर का, ना उसके खेत का, ना उसके दास, ना उसकी दासी का, ना उसके बैल व गधे का, ना उसके किसी वस्तु का लालच करना। किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना, जो अपना है उसी में खुश रहना। उस जीवित परमेश्वर का यही संदेश है पूरी मानव जाति के लिए, ठीक है। कि हमको किसी भी परिस्थिति में जो हमारा नहीं है उसका लालच नहीं करना। अगर हमको चाहिए तो हम परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर हमको देंगे, क्यों नहीं देंगे, लेकिन उसको नैतिक रीति से पाने की अभिलाषा नहीं करना। शैतान तो यही चाहता है कि किसी का किसी न किसी लालच में फंसा दे, लेकिन भाई बहन हम सबको लालच से बचना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये लालच जो है परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा घिनौना पाप है। अय्यूब 20:20 में निकाल, लालसा से
लालसा के मारे को उसकी शांति कभी शांति नहीं मिलती। जो लालच करता है उसके मन में कभी शांति नहीं आती। जितना मिलेगा बोलेगा और मिले और मिले और मिले और मिले। जो लालची व्यक्ति है कभी शांति नहीं मिलता। एक बिजनेसमैन जो पैसा लालच करता है कि हम और कमाए और कमाए और कमाए, उसका जीवन पैसा कमाने में बीत जाता है। और वो पैसा किसके लिए कमा रहा है? वो उसको भोगने वाला कोई नहीं, क्योंकि देखिए परमेश्वर का क्रोध रहेगा तो फिर परमेश्वर का श्राप अलग ही काम करता है, ठीक है? उसको शांति नहीं मिलेगी, ठीक है? जो लालची व्यक्ति को मन की शांति नहीं रहती, जितना है उसी में संतुष्ट रहे, खुश रहे, परमेश्वर का महिमा दे, अपना जीवन में खुशी से बिताए। यह सब के लिए एक विश्वासी हो या गैर विश्वासी, जो मान जो परमेश्वर विश्वास नहीं भी करते, अपना जीवन में खुश नहीं है। जो परमेश्वर ने दिया लालच नहीं करी, लालच जो लालच करता है उसके जीवन में शांति नहीं होगी। अगर किसी को शांति चाहिए तो वो लालच कभी ना करे, ठीक है? लुका 12:33-34, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटकू बनाए जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता ना कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगेगा। देखिए लालच नहीं करना है हमको, संपत्ति धन इकट्ठा करना है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और हमको सिर्फ ये सांसारिक धन नहीं इकट्ठा करना है, हमको स्वर्गीय धन इकट्ठा करना है। अगर हम किसी जरूरतमंद को एक गिलास पानी पिला दें तो वो हमारा स्वर्गीय धन इकट्ठा हो रहा है, अगर हम अच्छाई करते हैं तो वो हमारा स्वर्गीय धन इकट्ठा होगा, ठीक है? और ये जो है ना, फिर हमको उसका परमेश्वर हमको रिवार्ड देंगे, फल देंगे, ठीक है? और वो धन हमारे कहीं भी अर्थ नहीं रहेगा। किसी को कंबल बांट रहे हैं, किसी को खाना दे रहे हैं, किसी को साड़ी बांट रहे हैं, तो ये सब हमारा स्वर्ग है, स्वर्गीय धन है। और हम लोग ये स्वर्गीय धन इकट्ठा कर रहे हैं स्वर्ग में, क्योंकि हमारा न्याय होगा तो हमारा ये धन हमको जो है न्याय में काम देगा, बचाएगा आपको उस क्रोध के न्याय के, ठीक है? इसीलिए हमको ये समझना हो, ठीक है? तो आना चोर चोरी कर रहे हो, स्वर्ग के धन का ना चोर चोरी कर सकता है, लेकिन अलग करके उसको जैसे कि दिमाग लग जाता तो अच्छा खासा लग गई को एकदम चूर चूर कर देता है, वैसा नहीं होगा। और ये हमारा धन जाना जब न्याय का दिन होगा उस समय हमको बचाएगा, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं, देखिए डर भी जाना परमेश्वर ने ये जीवन हमको बहुमूल्य जीवन दिया है, हमको डरने के लिए नहीं दिया। डरना भी एक पाप है, ठीक है? डरना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन अंधेरा में डर लगता है वैसा, लेकिन बहुत तरीके का होता है कि ये दुष्ट हो जाएगा वो हो जाएगा, सच्चा जीवन, इसलिए सच्चा जीवन परमेश्वर आपको हर प्रकार की डर से बचाएंगे, जो आपको डर देने का स्रोत है उससे बचाएंगे। पहला 15:3-14 यदि धन हुए कारण धन नहीं हो
पर उनसे डराने से ना डर ना घबरा। जो लोग अभी घर बना देते हैं, हमारा जीने का साधन तोड़ देते हैं, घर तोड़ देते हैं और पुलिसिया तोड़ देते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर लिया, उनसे डरना नहीं है, परमेश्वर उससे ऊपर डालेगा। हम प्रार्थना करें और डरे नहीं, सबसे डरे नहीं। आजकल बहुत सारे जो है सोच रहे हैं कि परमेश्वर का वचन खाने से नहीं रोक सकते हैं, तो हम फिजिकली ये तोड़ दे वो तोड़ दे, इससे लोग सहम जाएंगे, डर जाएंगे। वो डरने वाला चीज नहीं है, ठीक है। लुका 12:4 में, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उनके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मत डरो जो सिर्फ शरीर का घात कर सकते हैं, जो तोड़ फोड़ सकते हैं, उससे डरो जो कि इस आत्मा को नरक में डाल सकता है, उसे डर। वो कौन है? सच्चा परमेश्वर। यानी सच्चा परमेश्वर से हमको डरने की जरूरत। मत्ती 10:28, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर। कौन? वो परमेश्वर, ठीक है। अंतिम सदा परमेश्वर का डर। कुछ लोग ठट्टा उड़ाते हैं, गाली देते हैं। देखिए यहोवा का भय, नीति वचन में 14:27, यहोवा का भय माना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के बंधे से बच जाते हैं। परमेश्वर का डर अगर जो नहीं मानता, ठट्टा मुड़ाता है, वो तो बर्बाद हो जाता है। जो जो परमेश्वर का डर रखेगा वो मृत्यु के बंधन से बचेगा और जीवन का सोता उसके उसके हृदय से बाहर निकलेगा। भजन संहिता 2:11 में आप पढ़ सकते हैं। लुका 12:5 में आप पढ़ सकते हैं। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उससे डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो, वही सच्चा परमेश्वर से डरो, ठीक है। आज सच्चा परमेश्वर से हमको डरना। धन्यवाद। आप हम लोग प्रार्थना करते हैं। है मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे श्रोता गण को आशीष। वो एक सच्चा जीवित परमेश्वर की आज्ञा को माने और एक सच्चा जीवित परमेश्वर को जाने। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, थैंक यू। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं कम से कम एक लाइक जरूर करें, ताकि यूट्यूब हमारे वीडियो उन लोगों को पहुंचाए जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारी टीम का आपका आभार है कि आप लोग सहयोग करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।